एग्जाम कब होना है शिवनंदन? सर या तो होगा नवंबर दिसंबर के आसपास आपके एसएससी के एग्जाम, या फिर आप 2022 मान के चलिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5-6 महीने तो एग्जाम की कोई संभावना है, मैं ऐसा समझता हूँ। कारण क्या है कि आप सब जानते हैं सीबीएसई भी कैंसिल कर दिया मोदी साहब ने 12वीं का पेपर, और वो सही भी किया क्योंकि जो थर्ड वेव है वो लगभग आ चुकी है, बस दिखाई नहीं दे रही इंडिया में। उसको दिखाई देने में शायद 1.5 से 2 महीने लगेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में शायद एक औरंगाबाद करके जिला है, मैं कल वहाँ नहीं सुन रहा था, अगर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है औरंगाबाद या कौन सा था वो, उसमें अप्रैल महीने में 8,500 बच्चों में कोरोना पाया गया, और मई महीने में 9,500 के आसपास बच्चों में कोरोना पाया गया है, बच्चों में। और उन बच्चों में भी ज़्यादातर संख्या मतलब 12-13 साल से छोटे बच्चों की थी। तो ये थर्ड वेव थोड़ी खतरनाक भी है, और सरकार भी इसको लेके काफ़ी संजीदगी से काम कर रही है, और हमें भी उम्मीद है कि हम सही सलामत इस आपदा से बचेंगे। तो अभी एग्जाम होने की संभावना नहीं है, लेकिन आप इतना भी विश्वास मानिए कि जिस तरह से महामारी एकदम से पीक पकड़ती है ना, इसी तरीके से आपके एग्जाम भी बहुत पीक पकड़ेंगे। आप लगेगा कि इस महीने सीजीएल खत्म हुआ, इसी महीने के आखिरी में सीएचएसएल शुरू हो गया, सीएचएसएल खत्म हुआ सीपीओ शुरू हो गया, एमटीएस शुरू हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो 2-3 महीने में ना इतने एग्जाम हो जाएंगे आपके कि आप फिर उस समय तैयारी नहीं कर पाओगे। तो अभी सही वक्त है तैयारी करने का, तो सही से पढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अनुज आपने पूछा यूपीएसआई कब होगा, यूपीएसआई भी सेम इसी टाइम पे होगा, लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास, अगर ये थर्ड वेव नहीं आई तो 99.99% चांसेज है कि आ चुकी है और 1.5-2 महीने में अपना पीक लेगी एक वक्त पे। ठीक है, बाकी राम जाने भाई क्या होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई एग्जाम की संभावना है।